ता समझावा तेनू प्यार दिया राहा विच वे यार दिया बाहा विच वे सजन जे साथ ना होवे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग कोलकाता, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, ऑल हैप्पी रहो। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:45 और मैं भी उठी हूँ, उठ के मस्त फ्रेश हो चुकी हूँ, फ्रेश हो गया मेरा। और गाइस, मैं घर पे अकेली हूँ, दादी है मेरे साथ, बट अकेली हूँ यार, मैं इतना दादी से बात बात नहीं करती। तो दीदी और अर्शवीर तो गाइस कल नानी घर पे स्टे कर गए थे, तो अभी आई थिंक आज शाम को आ जाएंगे। तो गाइस, आज पता है आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है, मेरी लीजू का हैप्पी बर्थडे है। ओके, तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे, वो भी बेड के नीचे उधर छुप के सोई है। एक्चुअली ऊपर से आंटी आई थी, नीचे से उसको बर्थडे विश करने, तो वो पता उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है ये, इस वजह से ना वो छुप के सोई है। ठीक है, आज मेरी लीजू का बर्थडे, आज मेरी लीजा का हैप्पी बर्थडे है गाइस। आज मेरी लीजू पता है 2 ईयर्स की हो गई है, 2 ईयर्स उसका कम्प्लीट हो गया है। तो देखते हैं सेलिब्रेशन वगैरह होगा कि नहीं होगा। भैया ने कल रात को कॉल करके मेरे को बोला था कि हम लोग बर्थडे इसका सेलिब्रेट करेंगे जब मैं आ जाऊंगा तब। आज का सैटरडे है, आई थिंक भैया शाम को भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, देखते हैं। जैसे भैया घर पे रहेंगे तभी हम इस सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि भैया ने बोला मेरे अलावा मत करना। ठीक है गाइस, तो आप मेरे लीजू से मिलो। ओके, हेलो लीजू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, चिजी चिजी। हेलो लीजू, गुड मॉर्निंग, मेरा छोटू बच्चा, गुगलू मुगलू है मेरा, मेरी जान है गाइस, मेरी जान। ओके, आज मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, देखो बैठी आराम गाइस। मैं उधर से पता इसको बहाने से बुला के लाई हूँ। ओके, ये सामने डॉगी के बच्चे जो होते हैं इधर घुमा करते हैं ना, तो इनको बुलाओ, अगर मैं ऐसे करके बुलाती हूँ ना तो इसको जेलेसी होती है, तो ये आ जाती है, नहीं तो ऐसे आने वाले में से है नहीं है। गाइस, आप लोग बोलो मेरे लीजू को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस, अभी भैया आ जाए फिर करेंगे सेलिब्रेट इसका बर्थडे। और अभी तो फिलहाल गाइस मैं जा रही हूँ, कुछ हल्का ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, देखती हूँ क्या है, अकेले हूँ यार। दीदी होती तो भी कुछ अच्छा बनाते खाते, पर दीदी तो नानी घर पे है, आई थिंक आ जाएंगे आज शाम तक। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ कंप्लीट मेरा, और मैंने भी रूम वगैरह भी मस्त तरीके से समेट दिया, एकदम क्लीन अप कर दिया है। और गाइस, आज भैया भी घर पे नहीं है, मैं इसको कैसे क्या करूँगी, लीजू को आज गाइस नहलाना है। ओके, कैसे मैं इसको वॉशरूम तक लेके जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी भी टाइप का कोई बहाना मारना पड़ेगा, चॉकलेट का लालच या फिर कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तभी लड़की जाएगी, वरना जाने वाली है नहीं। तो अभी वो उधर वीडियो पे चिल्ला रही है। तो गाइस, अभी देखो मैंने मस्त किचन वगैरह सब अच्छे तरीके से क्लीन साफ सफाई एकदम कर दिया है मैंने, और अभी बस इसको नहलाना है कैसे भी करके, तो मैं आपको मिलती हूँ इसको नहलाने टाइम। तो गाइस, मिशन हुआ कंप्लीट और मैं लीजा को वॉशरूम में लेकर आ चुकी हूँ। पता है कैसे, मैंने बोला लीजा बिल्ली वॉशरूम में आई है, तो वो वॉशरूम में चेक करने आई थी कि बिल्ली सच में तो नहीं आ गई, बेचारी अपने जाल में खुद फंस गई। देखो अभी बैठ दिखाती हूँ उनको, डर के मारे गाइस नहाना नहीं चाहती मेरी बच्ची ने, नहाना जमा नहीं चाहती, जमा नहीं नहाना चाहती। तो हम अपन नहाएंगे उसको अच्छे तरीके से। आए हाय लीजू। तो गाइस, मैं इसको आपको पूरा नहला के मिलती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत तंग करने वाली है मेरे को, ऐसे ऐसे बॉडी झड़ेगी। तो गाइस, फाइनल इसको नहाने का मिशन तो हो गया कंप्लीट, इसका नहलाने का। अभी देखो कर क्या रही है ये, ये इसकी चल रही है, ये इसका बॉडी सुखाने वाला मशीन है, ये बॉडी सुखाने वाला तरीका इसका चल रहा है। लीजू चलो, पर टावल से पूछ ले, चलो चलो चले घुमा, चले चलो, नहीं नहीं होगी, सोना पुत बन गया, अब यही सब करना है इसको। देखो लीजो, मैंने माया तेन गंदी हो ली, नीचे टाइल्स गंदी है। इसका बॉडी वगैरह पूरा ड्राई कर देती हूँ, करने के बाद फिर इसको रेडी करके आपको मिलती हूँ यार, नहीं तो अभी वैसे विंटर मतलब वैसे तो गर्मी है कोलकाता में, ठंडी है नहीं, बट फिर भी यार ये जानवर है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सुखा वखा के
ड्राई कर देती हूँ अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको मिलती हूँ। गाइस मैंने इसको सूखा तो कर दिया अच्छे तरीके से, अभी ये सब जगह पे नहीं हुआ है। अभी देखो इसकी हरकतें देख लो, कहाँ चढ़ के देख रही है। लीजो आज देख लो। तो गाइस आप मेरी चिड़ियों से भी मिल लो आज। हेलो चिड़ू, गुड मॉर्निंग। इनका तो एक ही काम है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते रहना बस। चलो चलो गाइस, इधर से हुआ सब कुछ कंप्लीट। और गाइस रह गया मेरा और लीजा का खाना पीना, घर की साफ़ सफाई से लेके लीजा को नहलाना, उसको ड्राई करना, सब कुछ ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है। क्लीनअप वगैरह सब कुछ हो गया ख़त्म। और गाइस अभी खाना पीना बाकी है, तो खाने पीने में गाइस मैं लीजा के लिए बना रही हूँ सोयाबीन वाले चावल, और मेरे लिए गाइस मैं मैगी बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और टाइम भी इतना ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। तो ये देखो गैस पे खाना रख दिया गया है, लीजू का खाना बन रहा है कुकर में और मेरा मैगी सी। ओके तो गाइस अभी फटाफट खाना पीना खा के फिर मैं आपको मिलती हूँ। ओके थक गई, सारे काम कर लिए मैंने घर के फटाफट। गाइस अकेले हूँ ना, तो इधर उधर उधर कुछ तो मतलब करे जा रही हूँ, थोड़ी सी आँख साफ सफाई वगैरह कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तो बस ऐसे करके मेरे को आज का दिन गुजारना है। और क्या खेल रही हूँ, मन भी नहीं लग रहा। तो गाइस खाना पीना वगैरह तो हुआ मेरा कंप्लीट, और अभी मैं हो चुकी हूँ टोटली फ्री, मेरा और लीजा का। लीजा तो गाइस नहा चुकी है, मतलब नहाना वहाना हो गया उसका, खाना वाना खा के मस्त सोई है वो, एकदम गहरी नींद में सोई है। उसको बुला रही हूँ, उठा रही हूँ तो आ नहीं रही है इधर। चलो कोई बात नहीं, सोने देते हैं। तो गाइस उसका बर्थडे है आज, देखते हैं क्या कैसे होता है। भैया दीदी उन लोग आएंगे तभी सेलिब्रेट करेंगे, वरना बाकी वो आएंगे तभी प्लानिंग होगा कुछ। और गाइस मैं भी घर पे अकेली हूँ, जस्ट ऐसे बालकनी में बैठी हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। चिड़ियों को देख रही हूँ, आसपास खेड़ियों को देख रही हूँ। देखो ये मेरी चिड़िए मस्त बैठी है, खेला करती हैं गाइस ऑल टाइम, इनके पास कोई काम धंधा होता नहीं है दूसरा। बस करूँ क्या, सोच रही हूँ थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ और क्या। तो गाइस अभी ना पता मैं उठूँ थोड़ा रेस्ट करके, और गाइस अभी शाम हो चुकी है, शाम को बज रहा है 6:30। और ये अब मेरी बर्थडे गर्ल को देखो, ये मेरी बर्थडे गर्ल को देखो। तो गाइस अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ थोड़ा, क्या करूँ यार, मैं अकेले मैं बोर हो रही हूँ, मन नहीं लग रहा मेरा। तो देखते हैं कुछ करने को है या नहीं, पहले तो गाइस चाय वगैरह बना के पीती हूँ। गाइस तो चाय वगैरह बना के तो मैंने पी लिया, और गाइस ये आज पता है मैंने फैसला किया कि आज ना अभी जब मैं घर पे अकेली हूँ और बोर हो रही हूँ तो क्या किया जाए। तो गाइस अभी मैंने फ्रिज साफ़ करने का फैसला किया, और वो भी शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी मैंने ऑलमोस्ट कर लिया, मैं दिखाती हूँ आपको। पता है गाइस मेरे घर पर लीजा है, और लीजा कोई भी काम इतनी आसानी से करने देती नहीं है। तो मैंने जैसे सामान निकाला, ये बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने फटाफट इसको ऑलमोस्ट किया है, और दिखाती हूँ मैं कि ये देखो आज मैंने अपने फ्रिज को अच्छे तरीके से साफ कर दिया है और चमका दिया है अच्छे तरीके से। वाओ ब्यूटीफुल। और ये मेरी बदमाश बच्ची को देखो, जो बहुत तंग करती है और अभी बैठ गई है सामने बिल्लियों को ताड़ने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, और कुछ क्या बाकी, तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये तो हुआ इधर से कंप्लीट, और गाइस ये सब करते करते बच चुका है रात को 8:15। और अभी खाने पीने का जुगाड़ लगाती हूँ, देखती हूँ क्या करना, अकेले हूँ क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। लीजू का तो खाना मैंने दिन में बना लिया था, तो सोयाबीन चावल, अभी अपना देखती हूँ क्या करना। तो गाइस खाने का जुगाड़ तो मैंने लगा लिया, ठीक है। दीदी को मैंने कॉल किया, दीदी ने बोला क्या मतलब क्या करें, तो दीदी ने बोला देख जरा जो तेरे को मन हो रहा है खाने का तो तू वो खा ले। तो गाइस मेरा मन पता है क्या था, मेरे को ना पसंद ज़्यादा यही सब आती है, ठीक है। तो आज मैं रात खाने वाली हूँ खाने में ये पी मैगी, जो अच्छे तरीके से बनाऊँगी सूपी नूडल्स टाइप का, और खाऊँगी। और गाइस आपको पता है फ्रिज से ना आज मैंने इतने सारे ब्रेड इकट्ठे किए हैं, ये सारे गाइस ब्रेड हैं। जब हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके वो जो साइड वाले जो वो होते हैं ना किनारे, जो उसको काट के जब साइड में रख देते हैं, मतलब तो वही वाला है गाइस। इतने सारे ब्रेड निकले हैं फ्रिज में से जो इकट्ठे होके पड़े हुए थे। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि इस ब्रेड का आखिरकार क्या किया जा सकता है। दीदी ने बोला रख दे, मैं कुछ अच्छा सा डिश बनाऊँगी, आई डोंट नो क्या बनाने वाली है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों को अगर पता हो कि इस ब्रेड से
बची हुई ब्रेड से कुछ डिश बनता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तो फ़िलहाल हम रख देते हैं, और अभी हम हैं गाइस फ्री, अभी भूख तो है नहीं, तो तब तक ना हम पॉपकॉर्न खाते हैं। सी गाइस, पॉपकॉर्न और भी इसको खाने वाले हैं। गाइस पॉपकॉर्न तो मैंने खा लिया, मस्त टाइम पास हो गया मेरा। और गाइस ये भी बात बता दे रही हूँ, एक खुशी की खबर ये भी है गाइस, भैया दीदी अर्शवीर आ रहे हैं अभी, 10 बजने वाला गाइस, वो 11:30 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे। तो भैया ने मेरे को भी कॉल करके बोला कि लीज़ा के लिए, लीज़ा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो केक लेकर आओ। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ केक ख़रीदने, तो इसी दौरान मैं आपको मिलती हूँ सीधा केक शॉप पे। ओके, देखती हूँ पहले, रात को 10 बज चुका, अगर कहीं खुला मिल गया शॉप तो ठीक है, नहीं तो वरना दूर वाले शॉप पे मुझे जाना पड़ेगा। तो इसी दौरान आपको मिलते हैं सीधा केक वाले शॉप पे। तो गाइस मैं आ गई हूँ केक शॉप पे, ये मेरे घर के पास वाला खुला मिल गया, मैं यहीं से ले ले रही हूँ। जो मैंने लिया वो दिखाना है सी गाइस, लीज़ा के लिए। तो गाइस एन मौके पे चलेगी, बंद होने वाले थी शॉप बट मेरे को मिल गई, चलो शुक्र है भगवान का, नहीं तो मेरे को दूर वाले शॉप पे जाना पड़ता। सी गाइस मैंने लीज़ा के लिए ले लिया, और मस्त उसका नाम भी लिखवा लिया है मैंने, तो वेट है सिर्फ भैया दीदी अर्शवीर के आने का, तो वो आ जाए फिर हम लीज़ा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइस मैं केक तो ले आई, और अभी बस वेट है दीदी भैया अर्शवीर के आने का, फिर वो आ जाए फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक ना गाइस मेरे को भूख लगी है, और अभी गाइस टाइम हो रहा है 11:15, 11:15, तो मैं अपने लिए मैगी बना चुकी हूँ, और मैं भी खाना खा ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख, क्योंकि आज मैंने ढंग से कुछ खाया नहीं है। तो ये देखो ये मेरी मैगी, और मैं भी इसको खाऊँगी, तो वो आ जाए फिर लीज़ा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस मेरे दीदी उन लोग सब आ चुके हैं, और गाइस मेरे भैया गए हैं गाड़ी पार्किंग करने। ओके फिर आ जाए फिर हम लोग केक कट करते हैं। आपको पता है गाइस टाइम क्या हो रहा है, देखो पहले मेरे दीदी से बोलो, हेलो दीदी किमे हो दीदी, देखो एक बार गाइस मेरे दीदी को नींद आ रही है, और मेरा गुग्गू भी तो सो रहा है, अर्शवीर भी सो चल रहा है, और तो टाइम देखना है गाइस अच्छे तरीके से, आप टाइम देखो। और अभी तक हम जगे हैं, और भैया भी आ गए आई थिंक, ये से अरे गाड़ी लगा रहे हैं, सॉरी स्कूटी लगा रहे यार। तो अब हम वेस्ट करके गाइस फटाफट केक कट करते हैं, और लीसू को देखो एक बार, लीसू को देखो इसका इसकी इसका ये देखो बंदे का स्वागत करने का। बस लीजा अपनी मोहब्बत ऐसे अजा करती है, देखो ये मेरे भैया, हाय हेलो, ये देखो इसकी हरकतें देख लो आप। हैप्पी बर्थडे बेबी, लियोनी ने लियोनी कर देगा, तो 2 साल हो गए देख लो। तो गाइस अभी भैया से प्यार ले रही है, और फिर टाइम ना वेस्ट करेगा इस केक वगैरह कट करते हैं। गाइस हम लगे हैं लीज़ा का बर्थडे सेलिब्रेट करने, ये रहे भैया, और ये रहे लीज़ा। अरे केक तो जी फिर, अरे चुप पकार जा, नहीं मैं मोमबत्ती जला के ले, अर्शन तू चुन्नी पर चुन्नी। तो गाइस देखो लीजा लगी है हमारी केक कट करने, देखो भैया इसको ऊपर लेके आ रहे हैं, गाइस लीजा कैंडल से डर रही है। ओके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, केक 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 केक, हैप्पी बर्थडे लीजा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू क्योंकि टाइम हो चुका है पूरा, एक बज चुका है, ठीक है गाइस फाइनली हो गया सब कुछ कंप्लीट, और अभी गाइस रात को बज रहे हैं 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी, और गाइस अभी हम जा रहे हैं सोने। गाइस मैं इस ब्लॉग को ही पेंट कर रही हूँ। तो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो गाइस आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, मेरे आने वाली ब्लॉग वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। सो गाइस प्लीज कीप सपोर्टिंग, तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चुके बोले 3 साल क्या करे वो ठीक से देखभाल, क्या वो भी हमारी तरह तुझे बोलता खोल के रख तू तेरे बाल, क्या लिखेगा तेरे खातिर वो भी खाने जब